अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने ये एक ऑर्डर किया था जो मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने नूम से मंगाया है और यह लैश लिफ्ट किट है जो कि एक मैंने मंगाई है और अब मैं यूज़ करके देखूँगी। पता नहीं कितना वर्क करती है या नहीं करती, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं लैश कलर तो यूज़ करती हूँ लेकिन मैंने कभी लैश लिफ्ट नहीं करवाई है। तो कहते हैं कि 1 मंथ से 3 मंथ तक आपकी लैशेस लिफ्ट रहेंगी, तो देखते हैं, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसको देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ हमें एक ये मिला है, इस तरह से ये किट है और ये इसके ग्लू है, फिर ये परमिंग के लिए है, फिर ये फिक्स करने के लिए है, नरिशिंग के लिए है, और ये इसका क्लिनज़र है जो हमें लास्ट में यूज़ करना है। तो इसमें 5 जो हैं ये लोशंस हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। और बाकी इसमें ये देखते हैं हम इसके अंदर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसको, तो इसके अंदर जो है कोम है जिससे हमें अपनी आई लैश को लिफ्ट करना है और ऊपर आई लैश हमें ग्लू पे स्टिक करनी होगी। इससे इसमें ये छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक, आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है जो बिल्कुल बारीक से, ये क्लीनिंग टूल भी कहलाता है। इसी से आपने जो ग्लू लगाएंगे आपको उसको क्लीन करना है। ग्लू हमें लगानी है तो इन्होंने ये 3 इसके अंदर दिए हुए हैं जो कि काफ़ी से हैं, जो कि काफ़ी सही हैं, ठीक है, अच्छे हैं। क्वालिटी वाइज तो अच्छी लग रही है, बाकी यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और सेकंड देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। ये पैड्स हैं जो हमें अपनी आईलिड पे जो है सिलिकॉन के पैड्स होते हैं ये छोटे छोटे से, जो आईलिड पे हमें स्टिक करने हैं ग्लू से, जो हमें ग्लू दिया हुआ है। तो ये देखते हैं, ये भी काफ़ी सारे दिए हुए इन्होंने और अभी मुझे ये नहीं पता ये कितने टाइम तक यूज़ हो जाएगा ये सोल्यूशन और कितनी लैशेज इसमें हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारे ये दिए हुए हैं। और ये डिफरेंट साइज़ भी हैं कुछ इसमें और थिकनेस भी डिफरेंट डिफरेंट है, ये थोड़े स्लिम हैं और ये थोड़े थिक हैं। तो ये देखते हैं हम इसका, और काफ़ी सारे हैं ये। तो इसकी क्वालिटी वाइज तो ये सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यूज़ करने के का मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी ने इसको यूज़ किया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। थोड़ा सा मैं डर भी रही हूँ ट्राई करते हुए क्योंकि आइज़ का मामला है, कहीं कुछ और ही ना हो जाए। तो ये है, और इसके साथ फिर हमें ये मिलता है। तो इसमें ये आई पैड्स दिए हुए हैं जो कि आपको आई लैशेज़ के नीचे वाले एरिया में लगाने हैं ताकि आपकी नीचे वाली जो लैशेज़ हैं वो ऊपर ग्लू पे टच ना हो। और ये आपको दिए हुए हैं इसमें, और ये कॉटन बड्स टाइप दिए हुए हैं जिससे आपको ग्लू को प्रेस करना है और इससे आपको रिमूव करना है अपनी लैशेस को, ऊपर जो आपने लोशन लगाया होगा उसको इससे रिमूव करना है। तो ये है जो मैंने मंगाया है और ये मुझे 80 दिरहम में मिला है। तो अब मुझे नहीं पता ये सही है नहीं है, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन पे भी चेक किया था, वहाँ पे भी तकरीबन सेम ही प्राइस है, लेकिन मुझे नून से कुछ और भी ऑर्डर करना था तो जिसके साथ मैंने ये मंगवाया है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी दिखाऊंगी कि मैंने और क्या क्या मंगवाया है। तो बस थोड़ा बिज़ी होने की वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, ये क्वालिटी वाइज मुझे इसकी भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग भी है इसमें। तो आइस का मसला है तो हमें क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी क्या है, लेकिन लोशंस वगैरह का नहीं पता कि वो कैसे हैं। ये काफ़ी अच्छी ना क्वालिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, जो हम मस्कारा लगाते हैं ना उससे भी ज़्यादा इसका ब्रश जो है ना ये सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं ये है इसमें, और इसमें ये छोटी सी कॉटन सी लगी हुई है, इसको देखें आप, ये देखें, ये बिल्कुल छोटी सी इस पर लगी हुई है कॉटन। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो, और बाकी यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा अभी मुझे लगाते हुए इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा यूज़ करने में मुझे, इसलिए मैंने भी यूज़ करते हुए तो शायद मेरा दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन रिव्यू दे रही हूँ मैं आपको इसका। तो ये इसमें इस तरह से पैड्स हैं और इसने इसको आपने ओपन करने और निकालना ही है, रैप है, ये 5 पैकेट्स हैं इसमें।
तो आई थिंक 5 हैं, तो शायद ये 5 टाइम यूज़ हो सकता होगा लोशंस। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ ये यूज़ करके कि ये कैसा रहा। लैश लिफ्ट के किट पर जो है इन्होंने डायरेक्शन भी दी हुई है कि हमें यूज़ किस तरह करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसमें जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें है। कि ऑयल लगा हुआ है उसको रिमूव कर लें, अपनी अच्छे से आईलिड को क्लीन करना है, लैशेस को क्लीन करना है, कोई मेकअप नहीं हुआ हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ आपके, और सेकेंड आपके कोई सन बर्न नहीं हुआ हुआ हो या आपको कोई उन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है इसमें, और सेकेंड हमें इस पर दे कॉन्टैक्ट लेंसेज ना लगे हों हमारी आइज़ में, कोई इरिटेशन ना हो, कुछ ना हो हमारी आइज़ में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए हमें इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं हमने वो देखनी है, और उस उन चीज़ों में भी हमें वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप इसको है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमें 12 to 15 मिनट हमें अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद हमें क्लीन करना है उसको, और क्लीन रैप से अगर हम इसको रैप कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उससे जल्द अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड हमें लोशन लगाना है उसमें भी हमें हमारे लिए तकरीबन 8 to 10 मिनट्स के लिए हमें वो अप्लाई करना है, लेकिन उसके बाद हमें 24 आवर तक आइज़ पर अपने अप्लाई नहीं करना है, कोई मेकअप नहीं करना है, वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं लगाना है या कोई ऐसा हैवी मेकअप नहीं करना है, ना ही अपने फेस को वॉश करना है कि आपकी आईलिड पे पानी लगे, ना आपने हाथ से उसको रब करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपने उसको एज इट इज़ छोड़ देना है 24 आवर्स के लिए। और उसके बाद ये कितना वर्क करता है ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे देखेंगे, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालूँगी। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और ये कोई रिज़ल्ट इसका मुझे नहीं मालूम, वो यूज़ करने के बाद ही हमें रिज़ल्ट पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो मैंने तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अल्लाह हाफिज़।